हेलो गाइस, वेलकम टू माय खुफिया नॉलेज टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक व्हाट्सएप पर दो अकाउंट किस तरीके से चलाते हैं। जैसे कि मान लो अभी 2024 का नया अपडेट व्हाट्सएप पर आया है, दोस्तों आप भी इसको ट्राई करके देख लेना। आपके सिम, आपके फ़ोन के अंदर अगर दो सिम है तो आप एक फ़ोन का सिम उसके अंदर ऐड कर सकते हो और दूसरे नंबर को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो एक ही व्हाट्सएप पर। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वहाँ सबसे पहले आपको दोस्तों व्हाट्सएप पर चले जाना है। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर सिंपल सा आपको प्रेस करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रेस कर दो तो आपको सबसे नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेटस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में देखिए आपको राइट साइड में जो छोटा लोगो दिखाई दे रहा है स्कैनर के बाजू में, वहाँ पर सिंपल सा आपको दोस्तों प्रेस करना है। यही 2024 का न्यू अपडेट है दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देख लेना और इसी तरीके से आप दूसरा अकाउंट आपके व्हाट्सएप में चला सकते हो। तो देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो फर्स्ट मेरा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दूसरा नीचे एक न्यू अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हमें नीचे ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ऐड अकाउंट पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले व्हाट्सअप डाउनलोड करने के बाद हमें सबसे पहले वाला जो प्रोसेस आता है उसी तरीके से नया प्रोसेस यहाँ पर ऐड अकाउंट पर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो फ़ोन के अंदर दूसरा सिम है उसका नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो एग्री एंड कंटिन्यू में प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपका जो सेकेंड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने डाल चुका हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा है वहाँ पर आपको सिंपल सा प्रेस करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है इज दिस द करेक्ट नंबर, तो यहाँ पर आपको करना है यस। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर यस कर दोगे तो आपको सेंडिंग कोड आ जाएगा, यानी कि आपको व्हाट्सअप का OTP आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग दे रहा है और OTP वेरीफाई भी हो चुका है दोस्तों, वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दो नंबर का मेरा अभी यहाँ पर ऐड अकाउंट पर दूसरा नंबर ऐड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर OTP भी आ चुका है दोस्तों। OTP आने के बाद दोस्तों देखो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपका प्रोफाइल नेम, आपका जो भी आपको रखना है यहाँ पर आप रख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं नॉर्मली AAA रख देता हूँ। उसके बाद में आपको अगर प्रोफाइल फ़ोटो रखना है तो ऊपर प्रोफाइल फ़ोटो भी रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो सेट करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रेस कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट पास की भी कर सकते हो या तो स्किप, मैं स्किप कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर स्किप करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर एडिंग अकाउंट हो रहा है, यहाँ पर प्लीज़ वेट अ मोमेंट, यानी कि अभी मेरा जो दूसरा नंबर था वो भी एक ही व्हाट्सअप के अंदर दो ID से चलेंगे अभी यहाँ पर। यानी कि मैं अभी मान लो जैसे कि किसी को एक नंबर दे चुका और दूसरा नंबर उसके पास नहीं है और दूसरे नंबर का व्हाट्सअप मेरा इसके पहले नहीं था, तो अभी वो मैंने ऐड किया हो तो अभी वो भी मेरा ऐड होके चालू हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका भी व्हाट्सअप यहाँ पर ऐड करके चालू हो सकता है। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके।